नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कारपेंटर भाइयों का मेरे पास कमेंट आता है, मैसेज भी आता है कि मैं कौन सा ड्रिल मशीन यूज़ करता हूँ, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, और उसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता नहीं हूँ कि वो कौन सा कंपनी का, मैं कितना का लिया था, और उसका बैटरी बैकअप कैसा है, और किस पर्पज़ के लिए वो काम करते हैं, उससे हमारा जो काम है कितना परसेंट तक होता है, ड्रिल मशीन कितना यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, आप थंबनेल तो देख चुके हैं, ये जो हमारा पावर बिल्ड का ड्रिल मशीन है, ये हम कितने के लिए और ये कितना ज़्यादा काम करता है, इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है और ये कितने का मिला है, तो इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये देखेंगे, ये है हमारा ड्रिल मशीन जो कि पावर बिल कंपनी का है ये, और इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका जो है क्या मॉडल नंबर वो भी हम लिख देंगे दोस्तों। और इसको दोस्तों हम आज ही लेके आए हैं, और वीडियोस यहाँ पे देखेंगे पेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पेंटिंग का वर्क चल रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका पूरा टेस्टिंग करने के बाद ही बना रहे हैं, इसका जो है कितना बैटरी बैकअप है, इसे कितना टाइम तक चलेगा, इसमें पावर कितना, सब कुछ। क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको ड्रिल मशीन दिखा दें, वहाँ पर काम खत्म हो जाए, क्योंकि आप पैसा दे के इसको खरीदेंगे, तो जो आप पैसा दे रहे हैं जो है उतना काम तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो इसको ओपन करके देखते हैं दोस्तों, देखेंगे। सबसे पहले जो है दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड जो है, एक वारंटी कार्ड भी है, और इसमें जो है क्या क्या आपका ड्रिल मशीन जो है इसमें क्या क्या कुछ लगा हुआ है, ये कैसे कैसे काम करता है, सब कुछ इसमें है। तो ये भी काम का है, मगर मेरे काम का तो नहीं है, इसको साइड में कर देता हूँ। दोस्तों, इस ड्रिल मशीन में हमको जो है दो बैटरी मिलता है, तो ये देखेंगे, ये जो आपको थोड़ा सा नज़दीक दिखाते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये 21 वाट का ये बैटरी है दोस्तों। और ये जो पिछला जो हमारा एक ड्रिल मशीन था दोस्तों, इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पावर है, इसलिए मैं ये वाला सेलेक्ट किया हूँ। तो ये जल्दी चार्ज होने, थोड़ा सा टाइम लगता है ये चार्जिंग होने में दोस्तों, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, तो इसको साइड में कर देते हैं। और दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग है, ये देख सकते हैं, इसको भी आपको दिखा देता हूँ। इससे मैं चार्ज किया तो करीबन 3 घंटे में इसको बैटरी फुल कर दिया था, मैं इसको चार्जिंग करके चेक कर चुका हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे जो है आपका येलो, रेड कलर और ग्रीन कलर का बत्ती जलेगा, इसको हम लगा के आपको पहले दिखा देते हैं दोस्तों। देखेंगे, ये इसका बैटरी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये इसका बैटरी है और इसका चार्जिंग, ये आई जो है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से बिठाना है और थोड़ा सा स्लाइड कर देना, ये बैठ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अभी कोई बत्ती नहीं जल रहा है, जैसे कि हम यहाँ से इसका स्विच जो है ऑन करेंगे, ये देखेंगे ग्रीन कलर का दिखा रहा है, क्योंकि ये जो बैटरी है फुल है, इसको हम चार्ज करके रखे हैं, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है। जब ये जो चार्जिंग नहीं रहेगा तो ये रेड कलर का दिखेगा दोस्तों, ये देखिए, जब ये चार्जिंग नहीं रहेगा तो ये रेड कलर का दिखेगा। और इसको वायर जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, 1 मीटर का वायर है, इसको हम निकाल देते हैं दोस्तों। ये हमारा बैटरी का हो गया और चार्जिंग का हो गया। अब दोस्तों, हमारा जो ये मेन ड्रिल मशीन है, इसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों, वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पावर बिल्ड कंपनी का जो है, मैं एक कटिंग मशीन और पेपर मशीन भी चला रहा हूँ, और इसमें आपको फंक्शन दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है। इसका बैटरी को निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे, ये एक ब्लैक का बटन आपको नज़दीक से दिखाते हैं दोस्तों, देखिए, इसको आप इस प्रकार से दबाएंगे और थोड़ा सा आगे इसको खींचेंगे, निकल जाएगा, ये इसका मेन है दोस्तों। और इसको लगाने के लिए सेम थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद रुक जाएगा, तो इसको इस प्रकार से दबाएंगे और ये बैठा देंगे, बैठ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए 1 से लेके आपको यहाँ पे 18 तक कुछ लिखा गया है, ये आपका स्क्रू का साइज लिखा गया है दोस्तों, कि आपको कौन सा स्क्रू टाइट करना, कितना टाइट करना है, उतने पे आप रखेंगे तो जो है इसमें उतना ही पावर उठाएगा। और आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, यहाँ पर 3 मोड़ दिया गया है दोस्तों। ये वाला जो मोड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू बना है, इस पर आपका स्क्रू टाइट करेंगे तो जितना स्क्रू टाइट होना था टाइट होगा इसमें, उसके बाद में आपका स्क्रू टूटेगा नहीं। आप सेंटर में देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो मोड़ है, इससे क्या होता है, इससे जो है जो आपका ड्रिल मशीन स्क्रू मोड पर चलता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, जितना इसमें पावर है दोस्तों, पूरा का पूरा पावर इस पर लग जाता है, वो जितना इसमें फुल पावर पर चलता है। और इसमें दोस्तों हाई लो दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको एल लिखा है, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पर आप चलाएंगे तो स्लो चलेगा, देखिए ऊपर से आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो मशीन है हमारा बिल्कुल स्लो चल रहा है। और जैसे ही इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे, ये देखिए अपने अभी ये पास हो गया। और दोस्तों, आपको एक और दिखा देते हैं, इसका अभी हम टेस्ट नहीं किए हैं, और टेस्ट करके अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये टी टाइप बना है, यानी कि हैम्बर है, यानी कि दीवार पे भी इसको चला सकते हैं। अभी क्या टेस्ट करने का आसान तरीका ये है, देखिए ये देखिए, फिर थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, देखिए
तो अब दोस्तों इसका प्राइस हम बता देते हैं। इस ज़्यादा ड्रिल मशीन में कुछ है नहीं, यहाँ पे एक लाइटिंग भी देता है। देखिए फ्रेंड ये थोड़ा सा हम इसको हल्का सा पुश करेंगे, ये देखिए तब इसका लाइट ऑन हो जाता है। और एक अब थोड़ा सा इसका पावर भी चेक करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। और इस ड्रिल मशीन को मैं दोस्तों लिया हूँ 3000 रुपये में। और आप बताइएगा कि आप इस मशीन को कितने में लिए हैं और आप कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों इसका पावर चेक करते हैं कि इसको कितना साइज से हम होल कर सकते हैं, कितना एमएम बिट से, और दोस्तों इससे जो है हम लोग कितना बड़ा स्क्रू टाइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वो भी टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसको टेस्ट करने से पहले इस हम सोच रहे हैं इसमें जितना पावर है पावर पूरा रहे, लाइटिंग के इसका जो बैटरी ऐसा ना हो कि बैटरी में चार्ज ना हो, तब इसका जो पुराना बैटरी है हम इसको निकाल देते हैं। और ये जो हम चार्जिंग लगाए थे तो ये ग्रीन कलर दिखा रहा था, यानी कि फुल था, तो इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसको इस प्रकार से लगा देते हैं। अब दोस्तों इसको लगा के दिखाते हैं कि ये रेड कलर जलता है कि नहीं, ये भी आप देख लेंगे। इसको बैठा दिया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम इसको लगाएंगे, यहाँ पर ये लग गया और ये देखिए ये रेड कलर जल रहा है, यानी कि इसमें अभी ये चार्जिंग हो रहा है और इसमें कुछ चार्जिंग कम था, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम इसको हम चार्ज लगा के छोड़ देते हैं। दोस्तों इससे हम चेकिंग करने के लिए 3 बिट ले लिए हैं। आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार का जो ड्रिल मशीन बनाया जाता है वो सिर्फ स्क्रू टाइट करने के लिए बनाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों आप 1 इंच 1.5 इंच स्क्रू इससे टाइट कर सकते हैं। लेकिन हम चेक करेंगे फिर भी कितना ज़्यादा इसमें पावर है। ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारा छोटा वाला स्क्रू है और इसको हम यहाँ पर टाइट करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर हम स्क्रू मोड पर कर दिए हैं और इसको जो है फुल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम 18 पे करके चेक कर रहे हैं इसमें, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये नज़दीक जाने के बाद ये हमारा मशीन तो चल रहा है लेकिन इसका जो स्क्रू है वो नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये स्क्रू मोड पे था इसलिए। अब इसको जो है हम यहाँ पे कर देते हैं बिल्कुल सेंटर वाले मोड पे। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो ये हमने स्क्रू निकाल लिया दोस्तों, अब यहाँ पर लगाते हैं, ये देखिए फ्रेंड। अब जो है यहाँ पर जाने के बाद में स्क्रू हमारा मिस हो रहा था क्योंकि ये अब ड्रिल मशीन पर मोड पर चल रहा था। देखिए दोस्तों ये 1.5 इंच का स्क्रू हम इसमें टाइट करके चेक करेंगे, टाइट तो नहीं होगा क्योंकि ये प्लाईवुड है दोस्तों, मुझे पता है ये पहले से, लेकिन फिर भी हम टाइट करेंगे। देखिए वाह 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 भाई, ये तो कमाल कर दिया दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इसमें जो हम 1.5 इंच के स्क्रू टाइट किए डायरेक्ट, ये हमारा प्लाईवुड है दोस्तों, उसके बाद भी इसने जो है पूरा के पावर के साथ में टाइट कर दिया। ये देख सकते हैं होल बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा 18 mm का प्लाईवुड है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड इस बगल निकल आया, वही स्क्रू दोबारा से मैं टाइट किया हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत तो पावर है इसमें। ये फिर से इसको निकाल देता हूँ। दोस्तों हम लोग इससे जो चेक कर चुके हैं कि 2 इंच का स्क्रू इससे बराबर से टाइट हो रहा है। अब दोस्तों चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो 35 mm का बिट है, यानी कि ये इंजिस का बिट है, इसका होल परफेक्ट करता है कि नहीं। और जो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो है एक 10 mm का बिट है और एक 5 mm का बिट है, तो आप सबसे पहले बड़ा वाला चेक करेंगे दोस्तों कि ये जो है बड़ा वाला जो हमारा बिट है इससे होल कर पाता है कि नहीं। ऐसे तो इसका पावर हमको पता है और आपको भी पता है, लेकिन हम चेक करेंगे इसे फिर भी। ये देखेंगे ये हमारे पास 18 mm का प्लाईवुड है दोस्तों, और ये बॉयल वाटर प्रूफ प्लाईवुड है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये नॉर्मल सा प्लाईवुड है, उस पर ही चेक करें। तो देख सकते हैं इसका होल करेंगे हम, दोस्तों इसका होल तो ये कर लिया आप देख सकते हैं इंजिस में। कभी भी आपको इमरजेंसी में अगर इस मशीन का यूज़ करना है, मान लीजिए कहीं पे 1 या 2 दरवाज़ा लगाना है, तो आप इससे आराम से लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों इसका जो ये बिट रहेगा ये बिल्कुल नया टाइप रहेगा, तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें उतना पावर नहीं रहता है। तो इसमें तो ये मशीन सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। अब दो हमारा बिट है ये चेक करेंगे बाद में। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये हम यहाँ पे रखे हुए हैं ये किस काम का है, और इसको हम आपको बताएं ही नहीं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है और ये किस लिए है, तो इसको भी बताएंगे दोस्तों ये लास्ट में ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करता है। ये बहुत ज़्यादा कमाल का दोस्तों, सिर्फ 70 रुपीज़ में आपको मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा काम करेगा। अब दोस्तों चेक कर लेते हैं ये जो होल्स इससे होता है कि नहीं। ये बड़ा वाला हो गया तो छोटा वाला ज़रूर हो जाएगा, ये तो पता है दोस्तों। तो इसका बिट निकाल देते हैं, सबसे पहले ये हमारा बड़ा वाला बिट है दोस्तों, इसको लगाएंगे और लगाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं अच्छा से कि इसका होल्स तो करेगा, मुझे पता है। आपको नज़दीक से दिखाएंगे थोड़ा साइड से, ये देखेंगे तो
फ्रेंड ये जितना हमको काम का ज़रूरत था दोस्तों उतने में ये कंप्लीट है। यानी कि जो भी हम छोटा छोटा वर्क करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको हैंडल लगाना है या फिर कहीं पे फ्री होल्ड करना है और एक दो इमरजेंसी में आपको एक दो इस प्रकार का इंजिस का बिट से जो है होल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला आपको बता देते हैं कि ये जो है ये क्या काम करता है, इसको आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, ये हो गया हमारा फिक्स। अब दोस्तों ये देखिए ये कहाँ पे आपको काम करता है, जहाँ पे आपका छोटा स्क्रू ड्राइवर नहीं चल पाता, आपका हाथ नहीं जाता है, उस जगह पे आपको स्क्रू टाइट करना रहता है, बहुत कम जगह है तो आप इससे कर सकते हैं। देखेंगे फ्रेंड आपको बता देते हैं ये फाइनल हम कितने का लिए हैं। ये दोस्तों आपको पहले ही बता चुके कि मैं 3000 रुपये का लिया हूँ। और दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है और इसका पार्ट टू वीडियो में हम दोस्तों दिखाएंगे कि हमारे पास इस प्रकार का जो और एक ड्रिल मशीन है उसका बैटरी बैकअप कितना है और इसका बैटरी बैकअप कितना है, दोनों का पावर भी चेक करेंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पावर किस में है। और इसमें फीचर तो ज़्यादा ही आपको पता है कि ये जो है हैमर मशीन में भी चलता है, यानी कि अगर आपको दीवार में भी एक दो होल्स करने हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख चुके हैं ये जो ड्रिल मशीन है ये कितना काम करता है। और दोस्तों अगर इस प्रकार का आप ड्रिल मशीन लेते हैं तो जो आपको छोटा छोटा स्क्रू टाइट करना रहता है, जैसे कि हम टेंडर बॉक्स जब का मत्ता सेट करते हैं वहाँ पे छोटा स्क्रू देते हैं, कहीं पे मैग्नेट लगाते हैं तो छोटा स्क्रू देता है, बड़ा ड्रिल मशीन से क्या होता है दोस्तों हम जब उसको टाइट करते हैं तो वो टूट जाता है। इसमें उस प्रकार का सिस्टम दिया रहता है कि जितना आपको पावर का ज़रूरत है उतने पर आप सेट कर सकते हैं और इससे टाइट कर सकते हैं। तो जो आपको छोटा छोटा वर्क होता है दोस्तों इस मशीन से बहुत ही जल्दी हो जाता है और बार बार आपको मशीन वायर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, जहां कहीं पे भी ऊपर में लगाना, मान लीजिए ये देखेंगे मेरे पीछे बहुत सारे डोर्स है, इसको हमको लगाना रहता तो जल्दी से जल्दी हम लोग लगा सकते हैं। ये फ्रेंड 3000 का है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।